के विद्यालय में पहुंचे हैं और वहीं द्वारका में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं पीटीएम में बच्चों से बातचीत करने के लिए, उनके पेरेंट्स से बातचीत करने के लिए। उधर बिहार में आरजेडी और जेडीयू पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर हमलावर हैं। आरजेडी के पोस्टर के जवाब में जेडीयू ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें आरजेडी के पोस्टर की खामियां दिखाई गईं। आरजेडी के पोस्टर में नीति और टोकरी शब्द गलत लिखे गए थे जिस पर जेडीयू ने आरजेडी के खिलाफ निशाना साधा। यही नहीं, जेडीयू ने लालू यादव की सरकार को मस्ती के 15 साल और चरवाहा विद्यालय का आतंक बताया, जबकि नीतीश सरकार को संवर्ता बिहार बताया। इस बीच जेडीयू और आरजेडी के बीच चल रहे पोस्टर वार में कांग्रेस भी कूद पड़ी और नीतीश सरकार के खिलाफ पोस्टर जारी कर निशाना साध दिया। पार्टी का कोई आधिकारिक पोस्टर नहीं लगा है, लेकिन जिन्हें भी बिहार की चिंता है, जो बिहार के उस 15 वर्षों के शासन के कालखंड को याद करने मात्र से सिहर जाते हैं, वैसे शुभेच्छुओं ने अगर कोई पोस्टर लगाया है और शासन के दो मॉडल्स की तुलना की है, तो इससे ऐसी तिलमिलाहट राजद या कांग्रेस को क्यों है? इसमें ऐसा क्या गलत है कि उस समय सामूहिक नरसंहार नहीं हो रहे थे? जदयू वाले जो हैं ये लालू प्रसाद यादव से बहुत डरते हैं, इतने बड़े मास लीडर हैं कि ये लोग बहुत डरते हैं इनसे। ये कहरता बिहार किसे कहते हैं? आज जेल में शूट आउट हो रहा है, घर के अंदर घुस के गोली चला दी जा रही है, घर के अंदर घुस के रेप हो रहा है, बिहार तो अभी कहर रहा है। इसके बारे में क्यों नहीं कोई टिप्पणी और पोस्टर लगाते हैं जदयू वाले? तो पोस्टर के जरिए सियासत लगातार आरजेडी और जेडीयू के बीच। हमारे सहयोगी चंद्रमोहन जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, पहले आरजेडी ने पोस्टर के जरिए सियासत करने की कोशिश की, घेरने की कोशिश की, और अब जेडीयू की तरफ से पोस्टर के जरिए पलटवार किया गया है। बिल्कुल, देखिए चुनावी वर्ष शुरू होते ही बिहार में पोस्टर के जरिए सत्ता और विपक्ष के बीच पोस्टर के जरिए वार और पलटवार का दौर शुरू हो गया। साल के दूसरे दिन 2 तारीख को जेडीयू की तरफ से 15 साल बनाम 15 साल का पोस्टर लगाया गया, तो उसके जवाब में 3 तारीख को आरजेडी ने अपने ऑफिस के सामने एक पोस्टर लगाया और जिसमें साफ तौर पर उनका हमला बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर था। तो अब फिर से एक बार जेडीयू ने आरजेडी के ऊपर पलटवार किया है और इस बीच कांग्रेस भी इस पोस्टर वार में कूद गई है, जिसमें कांग्रेस ने भी पोस्टर लगाकर यह जाहिर करने की कोशिश की है कि जो महागठबंधन है वो आगे है और इस बार जो चुनाव होने जा रहा है इसमें ये महागठबंधन एनडीए को सबक सिखाएगी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव अब नजदीक आ रहा है और अब चुनावी साल शुरू होने के बाद से दोनों दल, या फिर जेडीयू की बात करें या फिर आरजेडी की बात करें, एक दूसरे पर वार और पलटवार अभी शुरू कर दिया और कब तक यह चलेगा यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि यह लगातार पिछले 2 तारीख से पोस्टर के जरिए वार और पलटवार का दौर जारी है। बिल्कुल, पोस्टर के जरिए वार और पलटवार का दौर जारी है। आरजेडी ने पोस्टर जारी किया, उसके बाद जेडीयू ने पोस्टर के जरिए वार किया, पलटवार किया आरजेडी पर, और इस सबके बीच कांग्रेस भी कूद पड़ी है।